नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पीके आज आपके बीच में जो नया वीडियो लेके आया हूँ तो वो है हमारे जो ये हमारा फैट है जो हमें ये दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा फैट, ये चीज इसका मैं वर्कआउट बताऊंगा कि आप जो है घर बैठे जो है कैसे इसका वर्कआउट कर सकते हो, चाहे आपके पास कोई मटेरियल ना हो। तो सबसे पहले जो है एक्सरसाइज जो है वो हम ये देखो 30-30 के जो हैं आपने इसके तीन सेट लगाने हैं और 30-30 लगा के जो है इसको कंप्लीट करना है। तो पहली एक्सरसाइज ये थी। दूसरा जो वर्कआउट है वो है हमारे पास कि जैसे ये चीज़ ऐसे हमने लेग्स को खोल लेना है इतनी और फिर ऐसे ये चीज़। तो ये हमारे पास दूसरा वर्कआउट है, इसके भी आपने 30-30 के जो है वो तीन सेट लगाने हैं। तो ये जो सारी की सारी वर्कआउट है ये हमारे इस फैट के लिए है, जो हमारे पास ये फैट जो है एक्स्ट्रा चर्बी जिसको हम बोलते हैं वो हमारे पास जमा हुई है। तो थर्ड जो एक्सरसाइज है वो है हमारे पास ऐसे, तो तीसरा वर्कआउट ये है। तो इसको भी आपने जो है 30-30 जो है सेट में कंप्लीट करना है। 30-30 जो रैप सेट नहीं बल्कि रैप जो है वो आपने देने हैं। उसके बाद जब ये तीन सेट इसके कंप्लीट हो गए हैं उसके आपने मूव करना है चौथा वर्कआउट। तो मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर एक जो भी आपने सेट लगाना है तो हर एक सेट के बीच में जो है कम से कम भी आपने 30 सेकेंड की जो है वो रेस्ट ले ली है। 30 सेकेंड की जब आप रेस्ट लेते हो तो उसके बाद जो है आपका मसल प्रॉपर तरीके से सेकेंड सेट को कंप्लीट करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। अब उसके बाद जो चौथा वर्कआउट है वो आप ये कर सकते हैं, ऐसे आपने ऐसे ऐसे ये चीज तो ये था हमारे पास चौथा वर्कआउट। इसके भी आपने 30-30 रैप देने हैं, तीन सेट में जो है इसको कंप्लीट करना है। जब ये चार वर्कआउट आप हमारे कंप्लीट हो गए, ये जो वर्कआउट है ये वर्कआउट आप घर बैठे इजीली से जो है कर सकते हैं, या आप घर से पार्क में जाते हो तो पार्क में भी आप इजीली जो है ये वर्कआउट कर सकते हो। उसके बाद फिफ्थ वर्कआउट, अपने हैंड ऐसे रखना है फ्री और ऐसे ध्यान रखना जो आपकी वेस्ट जो ट्विस्ट हो रही है वो आपने ये देखो यहाँ से ऐसे बिल्कुल जो ये एंगल है वो आपने 90 डिग्री एंगल मेंटेन करके रखना है इससे ऊपर, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं ये चीज़ ये बल्कि ये गलत है। आप जब भी आप अपनी वेस्ट को ट्विस्ट करते हो तो पूरा ट्विस्ट करो, ये देखो आपकी जो हेड की मूवमेंट है वो एक प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए और आपका कंसंट्रेशन जो है कंसंट्रेशन पूरी आपके इस मसल्स के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जब आपकी कंसंट्रेशन होगी तो आप देखोगे कि कितना इसका इफेक्ट आपके मसल्स के ऊपर पड़ेगा। तो ये पांच वर्कआउट थे। तो ये जो वर्कआउट है इसको भी आपने जो है 30-30 रैप में कंप्लीट करना है, तीन सेट जो है इसके लगाने हैं। और इसके बीच में ये है कि जब भी आपको पानी पीना है तो पानी हमेशा जो है आप ऐसे ऐसे पी सकते हो, और जो आपने पानी पीना है वो जब ये वर्कआउट आप कर रहे हो तो इस वर्कआउट में कम से कम भी आपने ज़्यादा पानी नहीं पीना, सिर्फ थोड़ा सा पानी पीना जिससे जो है आपका गला जो है वो सूखा ना रहे। तो इसके बाद नेक्स्ट जो वर्कआउट है हमारे पास जो ये चीज़ है इस चीज़ के लिए ये चीज़ है। तो ये जो वर्कआउट है जब आप इसको लगाते हो तो आपका पूरा ये देखो ये मूवमेंट, कुछ लोग क्या करते हैं इसको ऐसे करते हैं, ये टोटली रॉन्ग है। जब भी आपने देखना तो ये आपके नी जो है आपके जो हैंड से टच होने चाहिए। इसके भी आपने जो है तीन सेट लगाने हैं,
तीन सेट में जो है आपने 30-30 जो है वो रैप लगाना है। तो ये आपके पास है 5-6 एक्सरसाइज से। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे वो है ये चीज़ जो ये चीज़ होती है, ये जब हमने ऐसे हैंड कर दिए, ऐसे हमने कर दिए, या आप ऐसे कर सकते हैं ऐसे, जिससे जो है आपका ये देखो ये मसल के ऊपर जब आप करते ये मसल कैसे स्ट्रेच हो रहा है। तो जब ऐसे ही आपने इस साइड 30 लगाने, फिर इस साइड 30 लगाने, मतलब ये कि आपने 30 का एक सेट लगाना है, 15 रैप इस साइड, 15 रैप इस साइड, ऐसे ही आपने तीन सेट लगाने हैं, 30-30 रैप देने हैं, सारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास इस फैट की। नेक्स्ट जो वीडियो है मैं आपको टमी फैट के ऊपर बताऊंगा कि टमी फैट को हम कैसे मूव कर सकते हैं। तो तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। जितना हो सके वीडियो को आगे शेयर करना। बाय।